हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात कर रहे हैं यार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का सेकेंड राउंड होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। जिस प्रकार से फर्स्ट राउंड का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। जो एक नॉर्मल बच्चा था जिसके 200 नंबर थे, 180 नंबर थे, 150 नंबर थे, कोई एक नंबर से छूट गया पीछे, कोई इसके 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया और वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो यार, स्टूडेंट्स की यही क्वारी थी कि भैया सेकेंड अलॉटमेंट क्या होगा। तो यह सेकेंड अलॉटमेंट उस कंडीशन में होता है जब फर्स्ट वाले जो है सीट वैकेंट कर देते हैं, फीस पे नहीं करते, डॉक्यूमेंट इश्यू होता है। अगर फर्स्ट वाले बच्चे सीट नहीं लेते हैं तो सेकेंड अलॉटमेंट होता है। हाँ, होता है, हमेशा ही होता है वैसे तो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है ना कि ये सारे जो बच्चे हैं इन्होंने ऑलमोस्ट सभी में अप्लाई कर रखा है। जैसे मान लो ये प्रीति कुमारी है और इसको ऑलमोस्ट सभी कॉलेजों में सीट मिल रहा है, सभी ब्रांचों में, और भी ब्रांचों ने इसने अप्लाई कर रखा है। तो इसकी गारंटी नहीं है कि ये यही सीट ले, और किसी कॉलेज में ले सकती है, इस कॉलेज में दूसरी सीट ले सकती है। ओके, तो इस कारण जो सीट वैकेंट रहती है, चाहे अगर एक सीट भी वैकेंट रहती है ना, तो उसके लिए भी काउंसलिंग होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी घबराए नहीं यार, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो रो रहे थे कि भैया एक नंबर से रह गए हम, किसी के जस्ट 172 पे कट ऑफ गया है, कि हमारा 171 था यार, एक नंबर से छूट गया हमें। ओके, तो जैसे ऐसे घबराए नहीं, एक एक नंबर ये सारे काम आएंगे, अभी जस्ट राउंड चलेंगे। ओके, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, तो एंडिंग तक इसके अंदर लड़े, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट यार थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अभी काउंसलिंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि सारी सीटें भर गई है तो वो छोड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वारी थी कि यार कंप्यूटर साइंस की सीटें कौन छोड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर कोई सीट छोड़ेगा ही नहीं तो हमारे फिर से सेकेंड राउंड कैसे चलेगा, उसमें तो एक दो सीट बचेगी। हाँ, जनरली होता यही है, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड वाले नहीं छोड़ते, एक दो सीट्स वैकेंट होती है, लेकिन उसके लिए भी काउंसलिंग होती है। ओके, ठीक है। जस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी सीटें बचेगी, जो भी सीट्स होती है ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें फर्स्ट राउंड के अंदर ही मिल जाती है। ओके, सो जिन बच्चों ने किसी से भी काउंसलिंग करा के, कॉन्टेक्ट करके, वेबसाइट पे अपलोड करके अपना नाम लिखवा लिया है, फर्स्ट राउंड के अंदर आ चुका है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है, वो अपनी फीस पे करे कॉलेज को और अपना एडमिशन सिक्योर करे। और जस्ट जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो थोड़ा वेट कर ले, और जिनके बहुत ही कम मार्क्स है उनका तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं भैया। तो वो उनके पास यार एक ही ऑप्शन है, वो अपना अदर कॉलेज सिक्योर करे ताकि 1 साल खराब ना हो। ऑलरेडी यार 11वां महीना स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट कॉलेजों का एक एक महीना ऑफलाइन क्लासेज जा चुकी है। तो यार अब क्या कर सकते हैं। एक जस्ट ये मेरा कॉलेज है PSAC पटियाला, अगर किसी का एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे अभी कुछ सीट्स वैकेंट है, तो यार ले सकता है एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इन बीटेक। ओके, और कुछ सीट्स अभी BBA यानी एविनेशन और BMS में भी वैकेंट है, अच्छा कोर्स होता है वैसे। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज है यार, PSAC.ac.in वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा आपको कॉलेज वालों का, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अभी जस्ट डायरेक्ट एडमिशन मिल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है यार। देख, गवर्नमेंट कॉलेज है, थोड़ा नया कॉलेज है, इस कारण कुछ सीट्स अभी यहाँ पे वैकेंट है। ओके, तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है वो इन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर ले यार, कोई चार्ज नहीं है वैसे, कॉलेज के टीचर लोग हैं। ओके, तो आप टीचर पार्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में सक्सेस नहीं बन रहा है। वैसे आई थिंक बहुत अच्छा कॉलेज है पटियाला कैंट, पटियाला मिलिट्री बेस के अंदर सिचुएटेड है, तो आप लोगों के पास एरोस्पेस, एरोनोटिकल, एविनेशन का फ्यूचर में स्कोप है ठीक ठाक, तो इंटरेस्ट हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, भी कुछ सीट्स मिल जाएगी एरोस्पेस, एरोनोटिकल और BBA इन एविनेशन, BMS। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू सो मच।